أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، میں نے قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، جو کہ اب دوسرے پارے میں بھی اس کا تسلسل جاری ہے، اس لیے پارہ نمبر 2 رکو نمبر 17 کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 142 اور 143، 142 اور 143. الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ساری تعریفیں اور ساری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. وما توفیقنا الا باللہ. پچھلے سال جنوری میں ہم نے قرآن مجید کے درس کی شروعات کی تھی، جو کہ درس سے زیادہ قرآن مجید کی تفسیر کا پہلو رکھتا ہے. پچھلے جنوری سے اس فبروری کی آخری تاریخ تک ہم نے قرآن مجید کے پہلے پارے کا مکمل لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں. اس میں پورا مکمل سورہ فاتحہ، جس کے لیے غالباً ہم نے 7 سے 8 دروس لیے ہیں، اس کے بعد سورہ بقرہ کا یہ پہلے رکو، پہلے پارے کا اختتام آیت نمبر 141 تک شامل ہے. پورا 1 سال 1 مہینے کے بعد ایک پارہ ختم ہوا. اللہ کی ذات سے یہی دعا کرتا ہوں اور یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے
अमल करने की तौफीक दे, चाहे इसके लिए हमारी पूरी ज़िंदगी क्यों ना सर्फ हो जाए, चाहे इसके लिए हमारी उम्र के सारे साल क्यों ना लगाने पड़े। इस रफ्तार से तो शायद ये समझ में आता है कि शायद 30 साल लगे। अगर बचे हुए ही 30 साल है तो पूरे 30 साल लगाने में इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अगर बचे हुए 50 साल है तो 30 साल समझने में लगा देंगे और बाकी के बचे हुए 20 साल अमल करने में लगा देंगे। मगर कमाल दर कमाल ये है कि इसको समझा जाए भी तफसील, तफसील के साथ कुरान मजीद को, कुरान मजीद की रोशनी में, कुरान मजीद को सही अहादीस की रोशनी में, सहाबा के अकवाल, ताबईन तबे ताबईन के अकवाल की रोशनी में, ये बड़ा कमाल है। और बाकी रहा ये डाउट, ये शक और शुबा कि पूरा कुरान समझेंगे तो अमल कौन करेगा, अमल करने की तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिस तरह कुरान मजीद का दर्स और उसकी तफसीर सुनने की तौफीक देने वाला अल्लाह है, उसी तरह इस पर अमल की तौफीक देने वाले भी अल्लाह है। पहला पार्ट हम अदा कर दें, पहली जो जिम्मेदारी हम पर आई है इसको समझने की, उसको पूरी जद्दोजहद पूरी काविशों के साथ इसको अदा कर दें कि इसको पढ़े समझे। जिसने पढ़ने समझने की तौफीक दी, यकीन वो अमल करने की भी तौफीक देगा। ये कोई बड़ा मुश्किल काम, बड़ी कोई मुहिम नहीं है कि इसको समझेंगे तो अमल करेंगे कैसे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत दुश्वारियाँ पैदा होगी, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा अमल करना पड़ेगा, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने और समझने की तौफीक देगा वही अमल की भी तौफीक देगा इंशाल्लाह। हाँ, जिसके नीयत और दिल में ही खोट हो तो यकीनन वो बैठ सकता है, और अगर बैठ गया गलती से किसी माशरे और माहौल और किसी दोस्त अहबाब के दबाव की वजह से तो अमल करना उसके लिए यकीनन दुश्वार जाएगा ही। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें कुरान को पूरी तरह अच्छी तरह समझने, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक दे, साथ ही साथ दूसरों को ये कुरान दूसरों तक भी पहुँचाने की अल्लाह हमें तौफीक दे। अब देखिए सूरह बकरा का जहाँ दूसरा पारा शुरू होता है, वहाँ पर अब तक रुकू नंबर 16 तक जो मजमून चला आ रहा था उस पर किसी किस्म की बहस नहीं है। बिल्कुल एक नया पहलू है, एक नया उन्वान है जिस पर अल्लाह तबारक तआला बयान करता है, मगर एक आम मजमून जो सूरह बकरा में चला रहा है बनो इसराइल के ताल्लुक से, वो तसलसल अभी भी जारी है। बनो इसराइल का तस्करा करता है, यहूदियों का जिक्र करता है, ईसाइयों का जिक्र करता है, उन्हें उनकी जज़र तौबीख करता है, कभी उनकी थोड़ी तारीफ भी करता है, उनके कुछ राज भी खोल देता है, उनकी इसलाह भी करता है, उनके ज़रिए से बिर्रास्त उम्मत मोहम्मदिया की भी इसलाह करता है। ये जो अंदाज है वो दूसरे पारे में भी जारी है। कुरान मजीद का ये जो दूसरा पारा है जिसको सयकूल कहते हैं, सयकूल, क्योंकि इसकी इब्तदाई लफ्ज सयकूल से है। कुरान मजीद में जो 30 पारे हैं इनके जो नाम दिए गए हैं वो कुछ ऐसे नाम नहीं है कि उनका कोई माना सही तौर पर निकाला जाए, वो आयत के पहले लफ्ज, आयत का जो पहला लफ्ज होता है उस पारे का, पहली आयत का पहला जो लफ्ज होता है वही उस पारे का नाम होता है। इस लिहाज से हर जुमले की शुरुआत किसी अच्छे नाम से हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हर पारे का नाम ऐसा कुछ है जिसका कोई सही माना निकलना जरूरी नहीं है, वो किसी न किसी जुमले के मिले बगैर वो माना पूरा नहीं दे सकता। जैसा कि यही है सयकूल, सयकूल का कोई खास माना नहीं है जब तक कि उसको आगे वाले जुमले से मिलाकर न जान ले। इसी तरह अलीफ लाम मीम, जैसा कि पहला पारा है, ये पहले पारे की पहली इब्तदाई इसी से, इसलिए इसको ये कहा गया। इसी तरह कौल अल मलू नवा पारा है, कौल अल मलू कौल कहकर पारे का नाम नहीं दिया जा सकता था, इसलिए कौल अल मलू यानी एक माना भी अच्छा पैदा हो गया। इस तरह नवे पारे का जो नाम दिया गया कौल अल मलू यानी बड़े बड़े सरदार कहते हैं, ये एक किस्म का एक लफ्ज। उसी तरह दूसरे पारे में सयकूल कहकर इसका नाम दिया गया, सयकूल से मुराद
स यानी अनकरीब, अरबी में फ्यूचर टेंस अगर बतलाना हो मुस्तकबिल ज़माने मुस्तकबिल तो उसके लफ्ज स और साफ का इस्तेमाल होता है। उसमें भी वो जमाना जो करीब है उसके लिए स का इस्तेमाल होता है, वरना यकूल कहते ही है मुस्तकबिल के जुमले को, यकूल कहते हैं कहा उस शख्स ने, कहा उस शख्स ने। सयकूल अनकरीब ये शख्स कहेगा, ये माना होता है सयकूल का, अनकरीब ये शख्स कहेगा। ये बहुत ज्यादा करीब जो जमाना है उसके लिए लफ्ज़ स का इस्तेमाल होता है। सौफ यानी करीब तो है मगर वो करीब से थोड़ा दूर है, उसको कहते हैं सौफ। करीब तो है मगर करीब से थोड़ा दूर है, उसको कहते हैं सौफ। यहाँ पे लफ्ज़ स का इस्तेमाल है, सयकूल यानी अनकरीब ये जरूर कहेंगे। अब यकूल जो है असल में ये वाहिद है, वाहिद है। वाहिद का इस्तेमाल क्यों हुआ जबकि बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा है। सयकूल सुफहा ये लफ्ज है असल में, सुफहा सफीहुन की जमा है, सफीहुन यानी नादान बेवकूफ फुलिश लोग। सुफहा जमा है इसलिए सयकूल को वाहिद लाया गया, बेवकूफ लोग कहते हैं या बेवकूफों ने कहा। अब कहा जो लफ्ज है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, उन लोगों ने कहा, उस एक शख्स ने कहा, कहा तो कहा ही है, वाहिद होकर जमा हो इसलिए लफ्ज वाहिद का इस्तेमाल होता है। अरबी का एक उसूल भी है कि जब जमा इसमें इस्म जमा इस्तेमाल की जाए तो उसके लिए जमाना वाहिद का इस्तेमाल किया जाता है। सयकूल सुफहा अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे। अब एक कहेंगे में दोनों मानी पाए जाते हैं, एक तो खबर, एक तो खबर कि अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे, दूसरा इसमें खबर के साथ साथ अलर्ट मुतनब्बा करना भी इसमें पाया जाता है, यानी यकीनन ये काम होने वाला है, यकीन का भी इसमें यकीन की खबर भी इसमें पाई जाती है, यानी अनकरीब ये कहेंगे और जरूर उन्होंने कहा है और कहेंगे भी। तो यकूल सुफहा अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे। तो इस तरह इस पारे की इब्तिदा लफ्ज़ सयकूल से होती है। इस दूसरे पारे में जो पहला रुकू है, रुकू नंबर 17 और रुकू नंबर 18, ये दोनों रुकूओं में एक ही मसले पर अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ज़्यादा बहस की है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इस पर तस्किरा किया है, वो है क़िबला। मुसलमानों का क़िबला कौन सा है, पहले कौन सा था, अगर दोनों के दरमियान कोई हालात पेश आए हैं तब्दीली क़िबले का जो वाक़ है उस वक्त क्या क्या हालात हुए, इन दोनों का तस्वीर अल्लाह ताला रुकू नंबर 17 रुकू नंबर 18 में अल्लाह ने जिक्र किया। उसके बाद फिर रुकू नंबर 19 से फिर दूसरे मज़ामीन पर अल्लाह ताला गुफ्तगू करता है। तो गोया रुकू नंबर 17 और 18 में हमको क़िबला और तब्दील क़िबला के ऊपर ही हमें सुनना और समझना है। सूरह बकरा पारा नंबर 2 रुकू नंबर 17 की आयत नंबर 142 में अल्लाह कहता है सयकुल सुफहा मिनन नास मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अनकरीब नादान लोग बेवकूफ लोग कहेंगे मिनन नास, लफ्ज़ अल्लाह ने का इस्तेमाल किया, लोगों में से बाज बेवकूफ बाज नादान लोग ये कहेंगे। इशारा अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर बिलखसूस यहूदियों की तरफ और ईसाइयों की तरफ, बिलखसूस यहूदियों की तरफ है ही और ईसाइयों की तरफ भी और मुशरिकीन की तरफ भी इशारा है, मगर आयत में बिलखसूस यहूदियों का और अहले किताब का तस्किरा है कि इन अहले किताब में कहेंगे बेवकूफ लोग, अहले किताब में किससे बेवकूफ लोग कहेंगे। यहाँ पे कुरान का अंदाज ये देखिए
ये कुरान की आयत होती तो यूं भी हो सकती थी, सयकुलु सुफहाउ मा वल्लाहु मिनन नास का लफ्ज छोड़ देंगे तब भी माना पूरा होता है, लोगों में से कहने की क्या जरूरत है, इसलिए क्योंकि कुरान जब किसी बात की खबर देता है तो साथ ही साथ माहौल और माशरे का ख्याल भी रखता है, उसका लिहाज भी रखता है। अगर सिर्फ यह कह दिया जाता कि बेवकूफ लोग कहेंगे तो इसमें सारे लोग आ गए, मिनन नास कहने से सारे इंसान बेवकूफ नहीं है, इंसानों में से बाज लोग बेवकूफ है, यह माना पैदा होता है मिनन नास से बाज लोग, इससे वो लोग जो इस काम में मुलविस नहीं हुए हैं उनके लिए खुशी यह है कि हम बेवकूफ नहीं है, और जो मुलविस हो गए वही लोग बेवकूफ कहलाए। तो मिनन नास का यह फायदा हुआ कि इसमें से ग्रो अलग छटकर हो गया जो बेवकूफ है, क्या कहेंगे, मा वल्लाहु, क्या चीज है जो पलट देती है इन लोगों को या पलटा दी है इन लोगों को, हम का इशारा साहबा की तरफ है, मुसलमानों की तरफ है, उम्मत मोहम्मद की तरफ है, किस चीज से पलटाया, अन किबलतिहिम, उनके खुद के किबले से किस चीज ने इन्हें पलटाया, अल्लती कानू अलैहा, वो किबला जिस पर ये पहले से थे। यहूदी लोग अहले किताब ने ये एतराज किया मुसलमानों से, और ये एतराज बराह रास्त नहीं कहा, बिर रास्त दूसरों के आगे तस्किरा करते हुए एतराज किया कि इन मुसलमानों को अपने किबले से किसने फेर दिया, उनका किबला कौन सा जिसको अपना किबला कह रहे हैं, वो था बैतुल मकदिस। बैतुल मकदिस ये किबले अव्वल है जिसको मुसलमानों ने इख्तियार किया जब हिजरत करके मदीना आए, 16 से 17 महीने तक आपा सल्लम लगातार बैतुल मकदिस की तरफ ही रुख करके आपा सल्लम नमाज पढ़ा करते थे, 16-17 महीने बाद आपा सल्लम ने अपना रुख फेर दिया और खाने काबा मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लग गए। अब जो बैतुल मकदिस है ये बड़ा मुकद्दस मुकाम था अहले किताब के नज़दीक, जो कि यरूशलम इसराइल के अंदर मौजूद है, तो इसकी बड़ी इज्जत करते थे अहले किताब। जब तक 16-17 महीने मुसलमान इस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त तक तो बहुत खुश थे, जैसे ही आप सल्लम और सहाबा ने अपना रुख बदला, अपना किबला बदला और मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लग गए, इनके जिस्मों में तो दर्द शुरू हो गया और कहा कि इन मुसलमानों को किसने कहा कि किबला बदल दे, अपना किबला जो पहले था उसको बदल दे। ये जो जुमला है इस जुमले को अल्लाह ने ये कहा बेवकूफों वाला जुमला, जो बेवकूफों वाला जुमला अदा करता है वही शख्स बेवकूफ होता है, चाहे अनजाने में कहे या जानकर कहे। वैसे ही जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स जाए और दूध की दुकान पर जाकर ये कहे कि भाई 5 किलो दूध दीजिए आप मुझे, अब जाहिर सी बात है दूध को तोला नहीं जाता, दूध को तोल लीटर में होता है, अब वो चाहे जानकर कहे चाहे अनजाने में कहे, जुमला उसके लिए बेवकूफ आना है। दूध वाला देखेगा ऊपर से नीचे तक और कहेगा भाई 5 लीटर दूध चाहिए कि 5 किलो दूध चाहिए, वो कहेगा 5 किलो चाहिए, मतलब जानकर कह रहा है। अब उसको समझाएगा देखो भाई दूध किलो में नहीं लीटर में आता है, जो लिक्विड होता है जो माया होता है उसको तोला नहीं जाता बल्कि नापा जाता है। तो ये जो इस तरह के जुमले चाहे जानकर कहे चाहे अनजाने में कहे ये बेवकूफाना जुमले होते हैं। तो अल्लाह ने कहा किबले को बदलने पर एतराज करना ये बेवकूफाना जुमला है, ये जो है बेवकूफाना हरकत है, जो भी करेगा वो बेवकूफ होगा, इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि बेवकूफों ने कहा, नादानों ने कहा, जाहिलों ने कहा कि मुसलमानों को किसने उनके किबले अव्वल से पलटा दिया। ये एतराज था अहले किताब का यहूदियों का, ये एतराज क्यों आया, ये एतराज इसलिए आया
फिर जब आतो सल्लम मक्का से मदीना हिजरत करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि मदीना में जब तक आप रहें आप बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप मदीना में बैतुल मक़दिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। ये अल्लाह की हिकमत बालिगा है कि अल्लाह ताला जो कि आलमुल ग़ैब है, अल्लाह को मालूम था कि आप जिस जगह तशरीफ ले जा रहे हैं, जिस जगह हिजरत करके जा रहे हैं, वहां पर यहूदी और ईसाई मदीना के अतराफ और मदीना में रहते थे जो कि अहले किताब है, उनके नज़दीक बैतुल मक़दस का एहतराम और लिहाज और इज्जत बहुत ज्यादा है मुशरिकीन के मुकाबले में। तब तक मक्का में थे इसकी अहमियत नहीं थी, मगर मदीना में आने के बाद बैतुल मक़दस की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई। हालांकि जब आप मक्का में थे तब भी बैतुल मक़दस को और खाने काबा को दरमियान में लेकर नमाज पढ़ते थे, मगर मदीना में आने के बाद इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई कि जो अहले किताब है उनके दिलों में भी इस्लाम के ताल्लुक से मोहब्बत जाग घुसी हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए। ये तो वो लोग हैं, ये बेदीन और बददीन लोग नहीं है, ये तो हमारे ही क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं और ये वैसी नमाज है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने हमको दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको दी। इस तरह इनके दिलों में जगह बनाने के लिए एक किस्म का हुक्म था और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी आजमाइश का जरिया भी था, इसको अल्लाह ताला ही बेहतर जानता था। इसलिए अल्लाह ने पहले हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपके असहाब बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके आप नमाज पढ़े। 16-17 महीने तक आप नमाज पढ़ते रहे, यहां तक के आप के दिल में ये बार बार ख्याल आता कि कितना ही अच्छा हो कि अल्लाह ताला मुझे मस्जिद हराम की रुख करके नमाज पढ़ने का मौका दे जो कि क़िबला इब्राहिमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो क़िबला है वो मस्जिद हराम है, इसकी भी ताज़ीम, इसका भी एहतराम अहले किताब के नज़दीक था, वह कि बैतुल मक़दस से ज्यादा इसका एहतराम था, मगर उन्होंने अपनी तरफ से बैतुल मक़दस को बहुत ज्यादा मरतबा दे रखा था। और आपसे सलम के दिल में बार बार ये ख्वाहिश पैदा होती कि अल्लाह ताला मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे, और आपसे 16-17 महीने लगातार बैतुल मक़दस पर रुख करके नमाज पढ़ते रहे नमाजी की हालत में। आगे आयतें आएंगी, आपसे सलम नमाज की हालत में आसमान की तरफ भी देखते कि कोई नया हुक्म आएगा क़िबले के लिए, कोई नया हुक्म आएगा। इस वक्त अल्लाह तबारक ने एक नया हुक्म दिया, अब तुम मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। आसा सल्लम ने अपना रुख फेरा और मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। इतना ही नहीं कि आसा सल्लम ने बैतुल मक़दस से रुख फेर कर मस्जिद हराम का रुख किया, एक सहाबी सही बुखारी के हदीस के मुताबिक एक सहाबी आसा सल्लम के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी और खाने काबा का रुख करके नमाज पढ़ी। उन्होंने हुक्म आ चुका था, नमाज पढ़ के वहां से निकले एक मस्जिद के पास से, वहां पर भी सहाबा नमाज पढ़ रहे थे और बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। तो जाते आते उन्होंने देखा कि ये तो अभी भी बैतुल मक़दस की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो कहा कसम अल्लाह की जिसने आप को नबी बनाकर भेजा है, मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ के आ रहा हूं, और उन्होंने अपना क़िबला मस्जिद हराम को कर लिया है, अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल किया है। नमाज की हालत में इमाम और मुक्तदियों ने ये इस ऐलान को सुना और वो उस वक्त रुकू की हालत में थे, इसी रुकू की हालत में सहाबी के इस ऐलान पर सबने अपना रुख फेरा और मस्जिद हराम का रुख कर लिया, बाकी की जो रकातें और नमाजें थी वो मस्जिद हराम का रुख करके नमाज पढ़ ली। उस मस्जिद को जहां पर सहाबा का ये अमल हुआ इसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, जहां पर एक ही वक्त में असर की नमाज थी, एक ही वक्त में उन्होंने दोनों क़िबलों का रुख करके नमाज पढ़ ली। जब ये सारा मामला मदीना में होने लगा तो इन यहूदियों के पेटों में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि बड़ा अच्छा नुक्ता इमाम इब्ने कथीर रहमतुल्लाह ने बड़ा अच्छा जुमला लाए हैं, कहते हैं कि जिसके दिल में बीमारी होती है उसके लिए नया हुक्म नया दर्द होता है, नया हुक्म
यानी जब तक एक ही हुक्म चल रहा है कोई दर्द नहीं, न पेट में, न जिस्म में, न सर में, न हाथों में, न पैरों में। नया हुक्म आया तो नया दर्द, उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम जाता है। यही हाल था बनो इसराइल का, अहले किताब का। कोई नया हुक्म आता तो मुनाफिकीन किस्म के लोग जो आप सलीम के दरबार रिसालत में रहा करते थे, इनके लिए नया दर्द सर होता कि अभी नया हुक्म आ गया, अब इसका क्या करें। क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनतों और मुशक्कतों के बाद अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को की तावीलें कर करके अमल करते रहते थे। नया हुक्म आता तो नया दर्द शुरू हो जाता। तो इसी तरह किबले का बदलना इनके लिए नया दर्द सर था, तो इस पर उन्होंने एतराज किया। हालांकि जिस किबले का रुख करने का अल्लाह ने हुक्म दिया वो भी बड़ा फजीलत वाला था, वो किबला इब्राहिम ही था, फिर भी एतराजन तौर पर और मजाकिया तौर पर मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहा गया, अरे इनको किसने आखिर पहले किबले से मोड़कर दूसरे किबले की तरफ कर दिया। अल्लाह ने यह आयत नाज़िल की। इन आयत का शान नुज़ूल वो है जिसमें अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ और आप सहाबा ने अपना रुख फेरा, जिस पर अहले किताब ने यहूदियों ने एतराज किया, तो अल्लाह ने यह आयतें नाज़िल की। अब इनकी बेवकूफ़ी क्यों है, उसका जवाब अल्लाह ताला आयत 142 के दूसरे टुकड़े में देता है। कहता है कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए है चाहे वो मशरिक हो या मगरिब, चाहे वो मशरिक हो या मगरिब, चाहे शुमाल हो या जुनूब, चाहे कोई जहत हो, कोई रुख हो, वो अल्लाह ही का है। ये अल्लाह ने जवाब दिया कि किस तरह अहले किताबों से बेवकूफी हो रही है। अहले किताब ने या बेवकूफ लोगों ने यह गुमान किया कि बैतुल मकदस की तरफ रुख जो करके नमाज पढ़ रहे थे, इनकी इबादत तो हो रही थी, अचानक इन्होंने किबला बदल दिया, अब शायद इनकी इबादत काबिल कबूल ना हो। अल्लाह ने कहा जो माबूद है वो अपने आबिद को जो चाहे हुक्म दे वही इबादत है। इबादत के लिए ये उसूल नहीं है कि आबिद क्या कर रहा है, आबिद क्या कर रहा है उस पर उसका सवाब नहीं है। आबिद को सवाब तब मिलता है जब माबूद उसको बोले, और माबूद चाहे कोई भी शर्त दे, चाहे कोई भी अमल दे जो बज़ाहिर समझ में ना आता हो, बज़ाहिर उल्टा नजर आता हो, माबूद की ताबेदारी ही आबिद के लिए काबिले सवाब है। ये उसूल अल्लाह ने बतलाया। अल्लाह ने कहा देखो सारी जहते सारी सिमतें तो मेरी है, मैं चाहूं तो कहूं मगरिब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, मैं चाहूं तो कहूं मशरिक की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, मेरा ये हुक्म जो माने उस पर अमल करे वो मेरा आबिद है, वो मेरा इबादत करने वाला है, मैं उसको सवाब दूंगा। तो गोया कि इस एतबार से जब सारी जहते अल्लाह की हुई तो इस तरह का एतराज करना ये बेवकूफों साल बेवकूफों वाला अमल था। इसलिए अल्लाह ने कहा कि बेवकूफ लोग इंसानों में से ये कहते हैं कि मुसलमानों को किसने उनके क़िबले से फेर दिया। अगर अल्लाह कहता है यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह जो सारी जहतों का मालिक है वही हिदायत देता है, रहनुमाई फरमाता है, रास्ता दिखलाता है, मन यशा जिसको चाहे इला सिरातिल मुस्तकीम सच्ची और सीधी राह की तरफ। ये भी बड़ी अनोखी आयत है। अल्लाह ने क्या कहा यहदी, अल्लाह रास्ता बतलाता है, हिदायत देता है, मन यशा जिसको चाहे। ये कुरान में का लफ्ज है, पहली बार नहीं, कई जगह ये आयत भी रिपीट हुई है और इस किस्म का लफ्ज भी अल्लाह ताला ने अपनी जात के ताल्लुक से रिपीट किया है, दोहराया है, मन यशा जिसको चाहे। इसमें अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की जलालत जाहिर होती है कि अल्लाह तबारक ताला किसी पर मुनहसर नहीं है बल्कि सारे के सारे उस पर मुनहसर है। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे गुमराह करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो कोई शख्स ये ना समझे कि मैं तो बचपन से नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए अल्लाह ताला मुझे हिदायत देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे इसको गुमराह करे। इसी बात की के ताल्लुक से आपने एक हदीस में कहा कि एक शख्स ऐसा होता है कि वो जिंदगी भर ऐसे अमाल करता है जो उसे जन्नत में ले जाने वाले होते हैं, यहां तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश्त का फासला रह जाता है। फिर तो अचानक तकदीर उस पर गालिब आती है, ऐसे अमाल करता है कि वो जहन्नम में फेंक दिया जाता है। क्या मतलब है इसका, हमारे अमाल वो नहीं जिस पर हम खुश हो,
असल यह है कि हमारा रब हमसे खुश है, हम अपने रब से हिदायत मांगे। इसलिए एक सहाबी आए, सही मुस्लिम हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि पूछते हैं अल्लाह के आई माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो बताइए कि आप सल्लम बहुत कसरत से दुआ कौन सी करते थे। तो माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि ऐसी तो कोई खास दुआ मुझे याद नहीं जो उसको आप सल्लम कहते रहे हो बार बार, कि आप सल्लम तो बहुत सारी दुआएं पढ़ते रहते हैं। एक दुआ जो आप सल्लम को मैंने बार बार पढ़ते सुना है, बिलखसूस नमाज जब अत्यात में आप सल्लम होते थे ये दुआ पढ़ा करते थे। कौन सी दुआ है? हाँ, के या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर कायम रख। दुआ मांगने वाला कौन? सरदारुल अंबिया, जिसके ऊपर कुरान नाजिल होता है, वो कहता है कि ऐ दिलों के फेरने वाले, हिदायत है तो गुमराही, गुमराही है तो हिदायत। वक्त नहीं लगता अल्लाह तबारक तआला। दूसरे दिन आप सबने कहा कि रहमान के दो उंगलियों के दरमियान सारे इंसानों के दिल है, जिसको जब चाहता है तब पलट देता। तो आप सब दुआ करते हैं अल्लाह मेरे दिल को तेरे दीन पर कायम रख। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान हिदायत पर कायम रहे। इसमें हिदायत, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की जात का कमाल है कि जिसको चाहता है हिदायत पर कायम रखता है, जिसको चाहता है उसको गुमराह कर देता है। इसलिए अल्लाह ने कहा यह हदी मैशा, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत दे, इला सिरात मुस्तकीम, सीधी राह की तरफ। इस पर हमने सूरह फातिहा के अंदर लफ्ज सिरात और लफ्ज मुस्तकीम पर हमने काफी तफसीरें हमने सुना है, उसमें से दो नुकात यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। अल्लाह ने इला सिरात कहा, सिरात रास्ते को कहते हैं, लफ्ज वाहिद है, लफ्ज वाहिद है। मालूम हुआ कि जो सिरात, जो सीधा रास्ता है, हक वाला रास्ता है, वो एक है, दो तीन चार पाँच दस पचास नहीं है। जैसा कि बाज लोग, बाज सूफी किस्म के हजरात ये दावा करते हैं कि हर गली, हर रास्ता तेरी गली जाता है, हर रास्ता तेरी गली, इसलिए हर किस्म की इबादतें कर लेते हैं, हर किस्म की बिदअत और खुराफात में मुलविस होते हैं, और कभी कभी तो नमाजों को जाया ही कर देते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, और कभी कभी तो दिल में पढ़ लेते हैं, कभी आसमान में पढ़ लेते हैं, कभी जमीन पर पढ़ लेते हैं, कभी समंदर पर पढ़ लेते हैं, और कहते हैं कि हर रास्ता तेरी गली जाता है। ये हकीकत नहीं है, उसकी गली जाने वाला एक ही रास्ता है, वो है इस्लाम। इसको अल्लाह ने सिरात कहा, एक रास्ता, और वो रास्ता भी कैसा है? मुस्तकीम है, बिल्कुल सीधा है। अब आप बताइए, जब सीधी लकीर आप मारेंगे, उसके बाजू आप उसके जैसी डुप्लीकेट, एक नहीं दो नहीं हजारों आप लकीरें बनाओ उसके बाजू, कभी दोनों लकीरें आपस में नहीं मिलती, क्योंकि दोनों मुतवाजी हैं, दोनों पैरेलल है, इसलिए दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकती, दोनों का ठिकाना अलग अलग ही होगा। जो मुस्तकीम और सीधी राह होगी वही जन्नत जाने वाली होगी। उसके दरमियान एक इंच, आधा इंच, पाव इंच भी बाजू अगर कोई लकीर है, तो यकीनन वो जन्नत में जाने वाली नहीं बल्कि जहन्नम में जाने वाली है। इसलिए सीधा और एक राह का होना ये इस्लाम की फितरत है। यहदी मन यशाउ इला सिराति मुस्तकीम, अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको चाहे अपना बंदों में से सीधी और सच्ची राह की तरफ, इस्लाम की तरफ। ये थी आयत नंबर 142, जिसका शान नुज़ूल मैंने आपके आगे रखा। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। आयत नंबर 143 के अंदर अल्लाह तबारक तआला कहता है, उम्मत मोहम्मदिया की तारीफ बयान करता है, इनकी फजीलत को बयान करता है, कहता है وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا। پہلا ٹکڑا ہے، اس کے دوسرے ٹکڑے میں پھر قبلہ کا ہی تذکرہ ہے۔ پہلے ٹکڑے میں آیت 143 کے پہلے ٹکڑے میں امت محمدیہ کی فضیلت، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح، معلوم ہوا اور اسی طرح سے اس آیت کی شروعات ہو رہی ہے، معلوم ہوا کہ اس آیت کا اور امت محمدیہ کی فضیلت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، قبلہ اور تبدیل قبلہ کے مسئلے سے امت محمدیہ کی فضیلت کا تعلق ہے۔ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا تمہیں، اشارہ ہے امت محمدیہ کی طرف، امت وسطا، ایسی امت جو وسط ہے، ایسی امت جو وسط ہے، اور اسی طرح
ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है। इसी तरह से क्या मुराद, इसी तरह से ये मुराद कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो किबलों में से अच्छा और बेहतर किबला अल्लाह ने तुम्हें दिया, उसी तरह बहुत सारी उम्मतों में तुम्हें अच्छी और बेहतर उम्मत अल्लाह ने बनाया। इसी तरह जिस तरह दो किबले दोनों भी फजीलत वाले, दोनों भी अहमियत वाले, तब भी बेहतर किबला अल्लाह ने तुम्हें दिया किबले इब्राहिमी, उसी तरह बहुत सारी उम्मतें बहुत सारे जलील कदर अंबिया और पैगंबरों की रही हैं, उनमें तुम बेहतर उम्मत हो, तुम उम्मत वसत हो। ये देखिए बड़ा गहरा रब्त और बड़ी गहरा ताल्लुक इन दोनों बातों में। वो कदाल के तहत लफ्ज अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया कि जिस तरह बेहतर किबला उसी तरह बेहतर उम्मत भी। सवाल ये उठता है कि उम्मत वसत का क्या माना है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं बेहतर उम्मत, क्या वाकई बेहतर, जबकि लफ्ज वसत है अरबी जुबान में, वसत कहते हैं दरमियान को, मिडल, दरमियानी चीज को वसत कहते हैं। क्या वसत के मानी दरमियान के है यहां पर? नहीं, ये लफ्ज वो माना नहीं दे रहा है जो आमतौर पर अरबी का लफ्ज लेता है वसत। यहां पर वसत से मुराद फजीलत वाली और बेहतर उम्मत, ये माना है इसका, फजीलत वाली और बेहतर उम्मत का ये माना दे रहा है लफ्ज वसत। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये लफ्ज वसत अगर अपना ही माना दे दे दरमियान का, तो ये उम्मत की क्या फजीलत है। पहले वही माना देख लेते हैं जो कुरान बयान कर रहा है, उम्मत वसत यानी दरमियानी उम्मत से क्या मुराद है, दरमियान उम्मत से क्या मुराद है। इसके ताल्लुक से उलमा कहते हैं बहुत सारी उम्मतें आई चली गई, आई चली गई, उसके बाद सबसे आखिर में जो उम्मत आई वो उम्मत मोहम्मदिया है, उसके बाद भी कई सालों कई जमानों तक ये दुनिया चलेगी, उसके बाद दुनिया का इस्लाम होगा। वो या के दरमियानी उम्मत ये उम्मत मोहम्मदिया, इससे पहले की उम्मत आई उसके बाद फिर भी दुनिया चली, कब तक चली किसी को पता नहीं है, ये दरमियानी। दूसरा माना इसका ये है ये दरमियानी उम्मत है, दरमियान से मुराद इसकी मिसाल अगर मैं यूं दूं कि जिस तरह एक ट्रैफिक पुलिस होता है वो हमेशा ट्रैफिक सिस्टम के दरमियान खड़ा होता है, इसका काम एक ही होता है कि हर तरीके से सिस्टम को मैनेज किया जाए ताकि किसी किस्म का एक्सीडेंट और हादसा न हो। ये उम्मत भी ऐसी उम्मत है, ये पिछली उम्मतों का भी रिकॉर्ड जानती है, आने वाली उम्मतों का भी रिकॉर्ड जानती है, इसको पिछला भी पता है और आगे का भी पता है। पिछला इसलिए पता है क्योंकि कुरान ने पिछली सारी उम्मतों का इसमें तस्वीरा किया है, आगे का इसलिए पता है क्योंकि नबी ने कयामत तक के सारे हालात इसको बयान कर दिए कि क्या होने वाला है, दज्जाल आएगा भाई पता है, कैसे मालूम हुआ याजिन मर्द खुरूज होगा, कैसे मालूम हुआ जमीन से दाबतुल अर्ज एक जानवर निकलेगा, कैसे मालूम हुआ, इस उम्मत को मालूम है, ऐसे ऐसे राज इस उम्मत को मालूम है जो किसी उम्मत को नहीं मालूम। उम्मत वसत है जो हर तरीके से कंट्रोल करने वाली, सही और सीधे और सच्ची बात इसी उम्मत के पास है। अब ये जो उम्मत है लफ्ज वसत से मुराद दरमियानी उम्मत, बेहतर और फजीलत वाली उम्मत से क्या मुराद है। असल में ये माना लफ्ज वसत बेहतर और फजीलत वाली उम्मत के लिए है। इसके लिए जब मैं इन आयतों को पढ़ रहा था तो मुझे मैनेजमेंट जो होता है मैनेजमेंट, उसके तीन अल्फाज याद आए, उन तीन अल्फाज ने इस लफ्ज को और निखारा और बिल्कुल सही माना इसने दिया। जब कोई मशीन होती है या मैन पावर जब काम करते हैं, मशीन काम करती है, जब अपना प्रोडक्शन देती है, प्रोडक्शन है ना, उसको रॉ मटेरियल दिया जाता है, कुछ प्रोसेस होता है उस पर, उसका उस आउटपुट निकलता है। जब ये प्रोडक्शन होता है, अगर इसका प्रोडक्शन, इस मशीन का प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा लिया जाए, हर रोज 8 घंटे से ज़्यादा अगर उससे लिया जाए तो उसको कहते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन। क्या कहते हैं उसको? मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी हर रोज जाए उस मशीन का 8 घंटे का इस्तेमाल होना चाहिए, वो 10 घंटे 12 घंटे से ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इससे
कहते हैं मैनेजमेंट वाले कि मशीन का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, मशीन का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, बार बार इसके अंदर खराबियां पैदा होंगी क्योंकि उसका ज्यादा इस्तेमाल आप वो ज्यादा कर रहे हैं। इसको कहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। और अगर उसी मशीन को इस डर से कि बार बार मेंटेनेंस निकलेगा कम इस्तेमाल करने लगे, 2 घंटे चलाकर छोड़ दिया, 3 घंटे चलाकर छोड़ दिया, तो मशीन के पुर्जों में जाम पैदा हो जाता है, उसके अंदर क्या कहते हैं खराबी पैदा हो सकती है और वो एक ही जगह फिक्स हो सकते हैं। इस तरह मशीन पूरी तरह बर्बाद भी हो सकती है अगर उसको मिनिमम यूटिलाइजेशन अगर उसका किया जाए। तीसरा, दोनों के दरमियान मैनेजमेंट सिस्टम एक उसूल देता है कि किसी मशीन का हो चाहे मैन पावर का हो, ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए ना मिनिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, बल्कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी सबसे बेस्ट इस्तेमाल अगर कोई है तो ऑप्टिमम है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। मशीन के साथ हर मशीन साथ उसका मैनुअल आता है कि इसको कितने घंटे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कब कब इसके अंदर ऑयलिंग की जाए, ग्रीसिंग की जाए, उस तरीके का इसका इस्तेमाल, इसको ऑप्टिमम है। ये ऑप्टिमम है, वस्त वस्त यानी दरमियान, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। इस तरह ये मशीन उम्मत मोहम्मद की मशीन ये ऑप्टिमम है, सबसे बेस्ट उम्मत है, ना हद से ज्यादा बढ़ने वाली है और ना ही कम करने वाली है। तो इस्लाम की मालूमात, इस्लाम का इल्म जो इस उम्मत को दिया गया है वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम से मुराद इस्लाम ने जो भी हुक्म इस उम्मत को दिया है वो इफ़रात और तफरीद से खाली है, इफ़रात और तफरीद से खाली है। इस्लाम का कोई भी हुक्म न इफ़रात के ताल्लुक से है न तफरीद के ताल्लुक से, बल्कि दरमियानी। इफ़रात कहते हैं बड़ा चढ़ाकर अमल करना, बड़ा चढ़ाकर बयान करना, और तफरीद कहते हैं जो है उसको छोड़कर घटाकर काम करना। इन दोनों से इस्लाम खाली है, बल्कि ये ऑप्टिमम है, बेहतरीन दरमियाना रवि इख्तियार करने का हुक्म इस्लाम देता है। इस एतबार से इस उम्मत को जो इस्लाम मिला है वो भी वसत, बेहतरीन अफजल इस्लाम इसको मिला है। तो कदालिक जअलनाकु उम्मतन वसता, और इसी तरह हमने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत, फजीलत वाली उम्मत हमने बनाकर भेजा। लितकूनु शुहदा अलन्नास, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि ऐ उम्मत मुहम्मदिया के अफराद लोगो तुम गवाह बन जाओ। लितकूनु तुम बन जाओ, हो जाओ शुहदा, शहीद की जमा, गवाही देने वाला, वो शहीद नहीं जो कत्ल होने वाला है अल्लाह के राह में, शहीद मुराद गवाही देने वाला, शुहदा, ताकि तुम गवाही देने वाले बन जाओ। अलन्नास लोगों पर, ताकि तुम लोगों पर गवाही देने वाले बन जाओ, इसलिए हमने तुमको उम्मत वस्त सबसे बेहतरीन उम्मत और दरमियानी उम्मत हमने तुमको बनाया, लोगों पर गवाह बन जाओ। وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, और ताकि रसूल गवाह हो जाए तुम पर। ये एक कंसेप्ट है, एक तस्वीर, इसको अल्लाह तबारक तआला ने आयत नंबर 143 के अंदर बयान किया, कहा कि ऐ उम्मत मुहम्मद के अफराद हमने तुमको उम्मत वस्त बेहतरीन उम्मत बनाया, ताकि इसकी वजह हमने क्यों बनाया तुम्हें बेहतरीन उम्मत, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ और तुम पर रसूल गवाह बन जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बन जाए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक तआला उम्मत मोहम्मद को यह कह रहा है कि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। इशारा इसमें आलम आखिरत का है, हशर के मैदान का जिक्र है। हशर के मैदान में उम्मत मोहम्मदिया दूसरों पर गवाह रहेगी, कैसे? बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, इब्ने माजा, अबू दाऊद, बहती और ऐसी कईयों हदीस की किताबें जिसमें यह हदीस आई हुई है कि आसम कहते हैं नूह सलाम को हशर के मैदान में बुलाया जाएगा, नूह सलाम को हशर के मैदान में बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि नूह क्या तुमने तुम्हारी कौम को दावत दी थी इस्लाम की? जो कहा सवाल अल्लाह का किससे है, नबी से,
नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी, और हिसाब किताब तो हिसाब किताब है, चाहे वो नबी हो चाहे उम्मती हो, हर एक से हिसाब किताब होने वाला है। इस हदीस से तो सबसे पहला तस्वीर इस्लाम का यही मिलता है कि आलम आखिरत किसी से छूटी भी नहीं है, हिसाब किताब किसी से छूटा हुआ नहीं है, चाहे नबी हो चाहे उम्मत हो, हर एक से सवाल होना ही होना है। नूह अलैहिस्सलाम सवाल किया जाएगा कि ऐ नूह, क्या तुमने अपनी उम्मत को इस्लाम की दावत दी थी? नूह अलैहिस्सलाम हाँ में जवाब देंगे, इखबार में जवाब देंगे और कहेंगे कि अल्लाह मैंने इस्लाम की दावत मेरी उम्मत को दी थी। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें दावत दी इस्लाम की? उनकी उम्मत हाथ उठाएगी और कहेगी अल्लाह हमारे पास कोई पैगंबर नहीं आया और न ही कोई डराने वाला हमारे पास आया जिसने हमें डराया हो। एक तो नूह अलैहिस्सलाम कह रहे कि मैंने दावत दी और उनकी उम्मत कह रही कि अल्लाह हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया। अब मामले का फैसला कैसे होगा? नूह अलैहिस्सलाम सच्चे या उनकी कौम सच्ची, कौन फैसला करेगा? आप क्या फैसला करेंगे? आप भी तो उम्मत वसत है, आप भी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, आप क्या फैसला करेंगे? आप यही फैसला करेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम सच्चे हैं? सवाल है कि आपको कैसे मालूम हुआ, आपको कैसे मालूम हुआ? यही हाल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा, क्या फजीलत है इस उम्मत मोहम्मद की? आप सल्लम कहते हैं मेरी उम्मत को मैदान हशर में बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि देखो ये है केस, ये है मामला। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं उनका दावा ये कि उन्होंने अपनी कौम को दावत पहुंचाई और उनकी कौम कहती है कि हमारे पास कोई डराने वाला आया ही नहीं, हमारे पास कोई नबी आया ही नहीं। उम्मत मोहम्मद गवाही देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी। एक साल नहीं, दो साल नहीं, 950 साल इस कौम ने दावत, इस कौम को नूह अलैहिस्सलाम दावत दी। अल्लाह तआला उम्मत मोहम्मद की इस गवाही को कबूल करेगा और पूछेगा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी है? उम्मत मोहम्मद के अल्लाह तेरे नबी है, तेरे रसूल के जरिए से जो वही तूर पर करता था कुरान मजीद की शक्ल में और अहादीस की शक्ल में, हमने उसके अंदर पढ़ा है, हमने देखा नहीं नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि नहीं दी, मगर हमारा ईमान ये कहता है कि कुरान मजीद और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कहती थी वो सच्ची है। उन्हीं कुरान अहादीस और उन्हीं वही के जरिए से हमें इस बात का यकीन है नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी। इस तरह ये उम्मत दूसरी उम्मतों पर गवाह बन रही है, ये फजीलत है उसकी। उम्मत है वस्त बेहतरीन उम्मत के दूसरों के मामला को निपटाने वाली उम्मत, केसेस को सॉल्व करने वाली उम्मत, बेहतरीन उम्मत। अल्लाह कहता है वो कदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अला नास, हमने तुमको बेहतरीन उम्मत फजीलत वाली उम्मत इसलिए बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो। यानी इस उम्मत ने क्या सही कहा या ये उम्मत कैसी है, अल्लाह ताला आप से पूछेगा कि क्या तुम्हारी उम्मत सही कह रही है? आप सल्लम कहेंगे अल्लाह जो कुछ तूने मुझे मुझ पर उतारा मैंने सब कुछ इन तक पहुंचा दिया, जो कुछ इन्होंने पढ़ा उसी बात की गवाही दे रहे हैं। जाहिर सी बात है सारे के सारे मामला सच्चे हैं। इसी आयत को अल्लाह तबारक ताला ने सूरह हज के अंदर भी सूरह नंबर 22 की सबसे आखिरी आयत में अल्लाह ने इसी आयत को दोहराते हुए उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत को बतलाते हुए अल्लाह ने सूरह हज सूरह नंबर 22 जो कि 70वें पारे का सूरह है उसकी आखिरी आयतों में रुकू नंबर 10 के अंदर अल्लाह ताला कहता है वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, और कोशिश करो अल्लाह की राह में जिस तरह उसके राह में कोशिश करने का हक है। हुआ जो तबाकुम, अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के ताल्लुक से ही ये लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल किया, हुआ जो तबाकुम उसी अल्लाह ने तुम्हें चुना है। मतलब उम्मत मोहम्मदिया के अफराद कौन लोग होंगे अल्लाह ने चुना है स्पेशली, कितने आलम अरवाह में कितनी रूहें होंगी, कितनी रूहें होंगी आलम अरवाह जहाँ से हम सब आए, कितनी रूहें होंगी, बेशुमार अनगिनत रूहें, उसमें से अल्लाह ने रूहों को चुना कि ये वो लोग हैं जो मेरी नबी की उम्मत में पैदा होंगे। खुश हो जाइए, यकीनन खुश होकर रोने का मुकाम है कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, चुना हमें, चुनकर अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में भेजा।
हो सकता है किसी और नबी के अंदर में अल्लाह ताला भेज सकता था, मगर अल्लाह ने हमें चुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भेजा और कहा वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और हमने तुम्हारे लिए दीन में किसी किस्म की तंगी नहीं रखी, यानी उम्मत भी बेहतर बेहतरीन और इस्लाम जो इसको दिया गया दीन वो भी बेहतरीन। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारी जो मिल्लत है, तुम्हारा जो दीन है वो तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है। हुवा सम्माकुम मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, उसने जो लेबल चस्पा किया तुम्हारी पेशानी पर वो मुसलमान है। मिन कब्ल, इससे पहले भी जितनी उम्मतें गुजरे उनका नाम मुसलमान था, और फी हादा, इस दीन में भी तुम्हारा नाम मुसलमान है। लियकून अर-रसूल शहीदा, क्यों अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को चुना, क्यों इसको उम्मत वस्त बनाया, ताकि रसूल इन पर गवाह हो। सूरह बकरा की आयत में पहले उम्मत का तस्किरा है कि गवाह हो और इन पर रसूल गवाह हो, यहाँ पर पहले रसूल का तस्किरा है बाद में उम्मत का तस्किरा है। लियकून अर-रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो, व तकून शुहदा अलन्नास, इस तरह तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। यह है उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत कि अल्लाह ने बिलखुसूस इस उम्मत को चुना और इसे उम्मत वस्त और फजीलत वाली और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाली बेहतरीन और अफजल उम्मत अल्लाह ने इसको बनाया। ये थी सूरह बकरा की पहली आयत, आयत 142 और 143 का पहला टुकड़ा मैंने आपके आगे रखा। कोशिश तो यही थी कि इस पूरी आयत को आपके आगे रखूँ, मगर वक्त इजाज़त नहीं देता है। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम आयत नंबर 143 के आगे के टुकड़ों के इंशाल्लाह दर्स और उसकी तफसील सुनेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान को सुनने, इस पर समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।